नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव जो अपनी कला से लोगों के चेहरे पर रौनक ले आते हैं, लेकिन अभी उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालत गंभीर होने पर पहले उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, बाद में CCU यानी कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन 58 साल के राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया था। उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वो नीचे गिर गए। इसके बाद राजू श्रीवास्तव को उनके जिम ट्रेनर फौरन अस्पताल लेकर गए। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी की गई, जिसमें एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉक मिला। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत फिलहाल बेहद नाजुक है, लिहाजा उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। एम्स के सूत्रों के अनुसार उन्हें आपातकालीन चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों की एक टीम ने रिकवर किया था। इसके बाद उन्हें कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती किया गया। सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राजू श्रीवास्तव अक्सर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। टीवी के कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं। समय समय पर दर्शकों को गुदगुदाते और हंसाते दिखते हैं। राजू श्रीवास्तव देश के फाइनेस्ट कॉमेडियन में शुमार किए जाते हैं। राजू श्रीवास्तव को बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो में भी देखा जा चुका है। इनके अलावा भी राजू श्रीवास्तव कई शोज में नजर आ चुके हैं। राजू श्रीवास्तव की गंभीर हालत के बाद उनके फैंस काफी टेंशन में आ गए हैं, साथ ही उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं भी कर रहे हैं। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी न्यूज। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।